और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा डेली 10 बजे लाइव सेशन होता है, तो ये जो आपका आज लाइव सेशन है दैट इज ऑल्सो शेड्यूल्ड ऑन 10 PM। आप सभी को पता है 10 बजे रोज हमारा लाइव सेशन होता है, जिसमें हम 11th जून शिफ्ट 2 के प्रैक्टिस 11th जून यानी कि हम CGL 18 के पेपर्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th जून शिफ्ट 2 का। और देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि चूंकि आप सभी को पता है कि हमारा डेली 10 बजे लाइव सेशन होता है, और फ्राइडे और सैटरडे मुझे थोड़ा सा बाहर कहीं जाना है, इस वजह से मैं आपको लाइव सेशन नहीं दे पा रहा हूं। बट चूंकि मैंने ये वीडियोस आपके लिए ही बनाए, क्योंकि जिससे कि हमारा फ्लो ना टूटे, सो दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, बट इट इज बीइंग प्रीमियर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ लाइव। ठीक है, तो आई थिंक जिस तरीके से हम लोग डेली पढ़ते हैं, उस तरीके से हम कंटिन्यू करने में सफल रहेंगे, और वी कैन कंटिन्यू द प्रोसेस इन एज यूजुअल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी प्लस। अगर आप अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं, जो कि है AMANT। ये मेरा रेफरल कोड है, जिसको यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। सो यू कैन यूज माई रेफरल कोड टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस क्लासेस। एंड आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 5400 रुपीज में, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 4320 रुपीज में आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड। और उसके बाद आप सभी टीचर्स से पढ़ सकते हैं, जितने भी टीचर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मेरे जो कोर्सेज अनअकैडमी पर चल रहे हैं वो है 8:30 से 9:30 एक मॉक टेस्ट का कोर्स है, और 7 से 8 बजे तक वोकैबुलरी का कोर्स है, और 4 to 6 PM पे मेरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है। तो आप इन सारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप रेफरल कोड नोट का यूज कर सकते हैं, जो कि है AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। बात शुरू करेंगे आज के अपने इंग्लिश के क्लासेस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर्स द ब्लैटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। आंसर बनाइए इस क्वेश्चन का क्या होगा, और फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोगों तक भी इस बात पहुंच सके। तो जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और उसके बाद फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का आपका? क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप। ब्लो हिज टॉप आपका एक idiom है जिसका मीनिंग आपको बताना है। यहाँ पे ब्लो हिज टॉप आपका एक idiom है जिसका मीनिंग आप लोगों को बताना है। आंसर क्या होगा? कह रहा है डिसमिस फ्रॉम जॉब, बी वेरी एंग्री, बी वेरी एम्बेरस्ड, या अटैक फियर्सली। देखिए, बॉस है वो, अगर वो बॉस है तो वो आपका एम्बेरस नहीं होगा, वो आपको एम्बेरस कर सकते हैं, वो खुद एम्बेरस नहीं होगा कभी। ठीक है, और डिसमिस द जॉब से, फ्रॉम जॉब से कोई सेंस नहीं है यहां पर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टू बी वेरी एंग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर्स द ब्लेटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। आंसर बन जाएगा टू बी वेरी एंग्री व्हेन ही डिस्कवर्स द ब्लेटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। तो आंसर क्या बनेगा? बी वेरी एंग्री। करेक्ट, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे क्लोस्टेट से हैं, तो आपके सामने क्लोस्टेट ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बनाइए और फिर इसका डिस्कशन हम करेंगे। क्या होगा? आयरोनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू डैश फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर। द डैश ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रेवेटेड द फ्लड सिचुएशन। डैश महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006 द फ्लड डैश नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो cause soil erosion, sedimentation, dash the plains of silt, natural fertilizer. तो पहला blank आपके सामने ये है, आपको इसका answer बनाना है क्या होगा। अब क्या कहता है? Ironically, the dams that were constructed to dash floods. तो dams किस लिए बनाए जाते हैं? कि जिससे बाढ़ पे क्या रहे? Control रहे। तो floods को reduce करने के लिए नहीं, dominate करने के लिए नहीं, resist करने के लिए भी नहीं, आपके dams बनते हैं to control floods. ठीक है, तो क्या बनेगा? आयरोनिकली जो कि डैम्स जो कि बनाए गए थे फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, उल्टा उन्होंने फ्लड्स को ट्रिगर कर दिया है। ठीक है, ट्रिगर कर दिया है ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर, क्योंकि रिजर्वायर में बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो रखा है, मिट्टी जमा हो गई है, जिसकी वजह से जो फ्लड का फ्लड्स और बढ़ गई है, नंबर ऑफ फ्लड्स और ज्यादा आने लगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आपका ब्लैंक नंबर 2 पूछ रहा है यहां पर कि द डैश ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रेवेटेड। सो द डैश ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रेवेटेड, यानी कि जब बारिश होती है तो पानी क्या हुआ है? जब बारिश का मौसम होता है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी अखबार पढ़ते होंगे तो पता होगा कि बारिश के मौसम के समय पानी का जो है बढ़ जाता है, इसलिए जो द रिलीज डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो वो पानी अब बहुत ज्यादा छोड़ा जाने लगा है। तो द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स
ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रवेटेड द फ्लड सिचुएशन। तो हैवी रेन्स के समय में की वजह से के समय में जो पानी छोड़ा जाता है डैम से वो बहुत ज्यादा हो जाता है, सिचुएशन को बहुत एग्रवेट करता है, वर्सन करता है। ठीक है, तो लिबरेशन आपका आजादी होता है, रिस्ट्रेंट कंट्रोल होता है, कलेक्शन आपका पानी का कलेक्शन होता है, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा रिलीज। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3-4 आपका, जो कि ब्लैंक नंबर 3 का पूछता है यहां पर, क्या होगा द फ्लड सिचुएशन डैश महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006। द फ्लड सिचुएशन जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में थी 2006 में, तो क्या बनेगा, थ्रू नहीं होगा, अमंग या फिर अलोंग नहीं होगा, इट विल बी ऑब्वियसली द फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006। ठीक है, तो कह रहा है कि द रिलीज जो कि पानी डैम से छोड़ा जाता है ड्यूरिंग हैवी रेन्स, वो एग्रवेट कर देता है फ्लड सिचुएशन को, वर्सन कर देता है, बद से बदतर बना देता है, बना दिया था इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन गुजरात इन 2006, 2006 में ऐसा ऐसा हुआ, तो इन हो जाएगा यहां पर। नाउ कमिंग टू ब्लैंक नंबर 5, यहां पर कहता है सेडिमेंटेशन डैश द प्लेन्स ऑफ सिल्ट एंड नेचुरल फर्टिलाइजर। तो सेडिमेंटेशन डिवास्टेटेड, प्लंडर्ड, डिवाउड या फिर स्मैश्ड, तो आंसर बनेगा द सेडिमेंटेशन डिवास्टेटेड द प्लेन्स ऑफ सिल्ट। ठीक है, डिवास्टेट यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जमीन की फसल को सेडिमेंटेशन ने, डिवास्टेटेड द प्लेन्स ऑफ सिल्ट अ नेचुरल फर्टिलाइजर को पूरी तरीके से उन्होंने, इरोजन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, जिसकी वजह से वो पूरी बर्बाद हो गया। प्लंडर करना लूट लेना होता है, डिवाउड आपका पूरी तरीके से, एक तरीके से हम डिवाउड का भी इस्तेमाल करते हैं फ्लड में, लेकिन जैसे कि फ्लड को, क्रॉप को, सो द फ्लड हैज डिवाउड द क्रॉप, इस सेंस में आता है, क्योंकि डिवाउड का मतलब होता है पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेना एक तरीके से, और स्मैश करना, क्रश करने के सेंस में होगा, तो वो यहां पे आंसर नहीं बनेगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, सॉरी आई हैव आंसर्ड इट, द फ्लड्स डैश नॉट ओनली लाइफ, यहां पे होगा आपका द फ्लड्स डिवास्टेटेड और नॉट ओनली लाइफ, यहां पर आपका बनेगा फोर्थ नंबर, ये आपका ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 5 था, ब्लैंक नंबर 4 ही था, तो यहां पर हो जाएगा द फ्लड्स डिवास्टेटेड नॉट ओनली लाइफ, फ्लड्स ने ना ही सिर्फ लाइफ को डिवास्टेट किया, बर्बाद किया, बल्कि प्रॉपर्टी को भी बर्बाद किया, और सॉइल इरोजन भी हुआ, तो डिवास्टेटेड यहां पे बनेगा सही जवाब। नेक्स्ट आता है आपका सेडिमेंटेशन डैश द प्लेन्स ऑफ सिल्ट, डिप्राइव्ड, डिस्ट्रॉयड, डिसेबल्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या बनेगा यहां पर, तो सेडिमेंटेशन बनेगा आपका डिस्ट्रॉयड, आपका डिसेबल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड या डिप्राइव्ड। तो सेडिमेंटेशन ने क्या किया, डिप्राइव किया आपका प्लेन्स ऑफ सिल्ट से, जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर है। देखिए होता क्या है, नदियों के साथ में बहुत सारा पानी आता है, नदियों के पानी के साथ में बहुत सारी मिट्टी आती है, तो जब जैसे वो पानी कहीं जाता है तो वो मिट्टी भी वहीं पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से ना जो सिल्ट है, यानी कि जो पानी में घुला हुआ मिट्टी होता है, कीचड़ होता है, उसे हम सिल्ट कहते हैं, तो वो सिल्ट की वजह से वो काफ़ी आपका बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। बट चूंकि वो डैम्स की वजह से वो सेडिमेंटेशन सारा रिजर्वायर में हो गया, तो सारी मिट्टी वहाँ जमा हो गई, तो इस वजह से जो सेडिमेंटेशन की वजह से जो प्लेन्स ऑफ सिल्ट जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर थे उसे डिप्राइव किया, उसकी वजह से वो नहीं हो पाया, तो आंसर यहां बनेगा डिप्राइव्ड, डिस्ट्रॉयड, डिसेबल्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट, आंसर बनाइए इसका जरा, फिर क्या करेंगे, फिर आंसर देखते हैं क्या बनेगा इसका आंसर। देखो ये आपका एक्टिव वॉइस बनाना है, यहाँ पर बीन और इम्पोज्ड लगा हुआ है ऑलरेडी, यानी कि जब हम एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस बीन को हटा देंगे। ठीक है, जैसे ही इस बीन को हटाएंगे तो क्या बचेगा, हैव या फिर हैज आएगा, बाय द गवर्नमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा आप क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, हैज, तो यहाँ पर हैड नहीं होगा, इज नहीं होगा, यहाँ पर हैव भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। सो द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि गवर्नमेंट ने काफी हैवी टैक्स लगाया है लग्जरी आइटम्स पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अ डैश स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव दैन वन विच इज वर्बोस। ठीक है, तो श्योरली आप सर्ली स्पीच, लैकनिक स्पीच, लेंदी स्पीच या फिर सलन स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव दैन विच इज वर्बोस। अब आप यहां पे सवाल को देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कहता है, दैन कह रहा है, कंपेरिजन कर रहा है किससे, वर्बोस से। वर्बोस का मतलब क्या होता है, वर्बोस का मतलब यूज ऑफ मोर वर्ड्स दैन इट इज रिक्वायर्ड, राइट। पहला शब्द यहां लिखा है लैकनिक, सर्ली,
सर्ली का मतलब क्या होता है? सर्ली का मतलब हो जाता है आपका, सर्ली का मतलब हो जाता है बैड टेम्पर्ड और एंड रूड। तो भाई बैड टेम्पर्ड और रूड स्पीच तो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी, हटा दें। वर्बोज और लेंदी तो सेम ही हो गया, तो फिर कंपैरिजन क्या कर रहे हो? हो नहीं सकता। सलन आपका निगेटिव वर्ड है, मोरोस यानी कि बहुत ही आपका मनहूसी टाइप की बात है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या बनेगा? लैकोनिक। लैकोनिक वर्बोज का करेक्ट अपोजिट होता है। मतलब क्या होता है कि कम शब्दों का इस्तेमाल करना। तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि कम शब्दों के इस्तेमाल वाली स्पीच हमेशा बहुत इफेक्टिव है देन विच इज वर्बोस। गॉट इट? समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे, सिनोनिम पूछ रहा है टैसिटर्न का। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टैसिटर्न? क्या मतलब होता है टैसिटर्न का? अभी ऊपर हमने पढ़ा वर्बोज और आपके लैकोनिक, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। आपका टैसिटर्न मतलब भी लैकोनिक होता है, कम शब्दों का इस्तेमाल करने वाला। मीनिंग हो जाएगा रेटिसेंट। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्बोस या फिर लोकेशियस। ठीक है, प्लेसिड शांत हो जाता है, टॉकेटिव बातें करने वाला। और लास्ट बचता है हमारा फ्लेगमेटिक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेगमेटिक? फ्लेगमेटिक आपका हो जाता है काम और शांत, नॉट इजिली मेड एंग्री और अपसेट। तो इसे भी आप काम लिख सकते हो। ठीक, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, एफ्लिक्शन, एग्जीबिशन, वायलेशन, वायलेशन, ट्यूशन। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग हियर? तो सही स्पेलिंग यहां पर एग्जीबिशन की है, बाकी स्पेलिंग्स यहां पे गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहां पे आपके फलों वाले पौधे उगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, गार्डन में आप फूल लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, प्लांटेशन कोई भी प्लांट लगाने को प्रोसेस को कहते हैं, फार्म आपके खेतों को कहते हैं, और बगिया ऑर्चर्ड को कहते हैं। ऑर्चर्ड इज द करेक्ट वर्ड। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसे कहते हैं ऑर्चर्ड यानी कि बगिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर कहता है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है कौन सा है इसमें। तो डेस्परेट की स्पेलिंग कौन सी सही है? पहली वाली स्पेलिंग आपकी डेस्परेट की सही है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपसे, कोविटस। कोविटस का आपसे व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द कोविटस? कोविटस का मतलब क्या हो जाता है आपका? आपसे एंटोनिम पूछ रहा है। पहला शब्द आपको दिया एवरिशियस। एवरिशियस क्या होता है? एवरिशियस हो जाता है आपका ग्रीडी। ठीक है, एवरिशियस किसे कहते हैं? ग्रीडी। और कोविटस का मतलब क्या होता है? कोविटस का मतलब हो जाता है हैविंग अ स्ट्रांग डिजायर फॉर द थिंग्स दैट अदर पीपल हैव। ठीक है, मतलब जो दूसरों के पास जो चीजें हैं उनकी स्ट्रांग डिजायर होना, टू हैव स्ट्रांग डिजायर, स्ट्रांग डिजायर फॉर द थिंग्स दैट अदर पीपल हैव। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोविटस। तो अब यहां पर एवरिशियस दिया है, एवरिशियस क्या हुआ? ग्रीडी हुआ, लालची के सेंस में। तो कोविटस कहीं ना कहीं आपके इसके सिनोनिम के रूप में आ गया। एक्विसिटिव। एक्विसिटिव का मतलब क्या हो जाता है? एक्विसिटिव मतलब हो जाता है आपका एक्विसिटिव। एक्विसिटिव मीनिंग क्या हो जाएगा? तो एक्विसिटिव मतलब हो जाता है वांटिंग वेरी मच टू बाय और गेट न्यू पोजीशन, जो कि बहुत कुछ नया खरीदना चाहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सिनोनिम हो गया। अगला आया मर्सिनरी। मर्सिनरी हम उस सोल्जर को कहते हैं, कल की क्लास में भी हमने सीखा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, सोल्जर्स उस सोल्जर को कहते हैं हु फाइट फ्रॉम द साइड विच गेट फ्रॉम विच इट गेट्स पेड, फ्रॉम एनी साइड विच पेज, जो पैसे देता है उसकी तरफ से लड़ने लगता है, उसे मर्सिनरी कहते हैं। तो ये इसका कोई इस कनेक्शन नहीं हुआ इससे। और बेनेवोलेंट क्या होता है? दूसरों का भला चाहने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विल बी द करेक्ट एंटोनिम। आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम यहां पे क्या बनेगा? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब दूसरों का भला चाहने वाला। ठीक है, समझ में आ गया। चारों शब्द याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा आसानी से हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर उससे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कहता है, The length of a male swallow's tail revealed his attractiveness for a female swallow. तो क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? भाई सवाल जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है आपका? सब्जेक्ट है the length of male swallow's tail. सब्जेक्ट हमारा लेंथ है, तो उसके हिसाब से वर्ब आएगी। ये सिंगुलर है, वर्ब हमारा क्या, सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है।
तो रिवील यहां पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रिवील्स हो जाएगा। ठीक है, सबसे सही आपका शब्द क्या हो जाएगा यहां पर, लेंथ ऑफ अ मेल स्वेलोज टेल रिवील्स हिज अट्रैक्टिवनेस फॉर अ फीमेल स्वेलो। आंसर क्या बनेगा आपका, 4। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछता है, कहता है प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो आसान क्वेश्चन है ये, आर्काइव होता है वो जगह जहां पर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, एवरी होता है जहां पर पक्षी रखे जाते हैं, बर्ड्स रखी जाती हैं। एपियरी हो जाता है आपका जहां पे हनी बीज रखी जाती हैं। तो आंसर क्या बचा, आर्सेनल, जहां पर हथियार रखे जाते हैं, हथियारों के जखीरे के लिए आता है ये टर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आपसे पूछता है एंटोनिम क्या होगा आपके इस वर्ड का, क्रूशियल का, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्रूशियल। तो क्रूशियल का मतलब क्या होता है, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो पाइवोटल, पाइवोटल मतलब भी क्या हो जाता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग अ पिविटल रोल इन इन द डिपार्टमेंट, मतलब हो गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, तो आपका ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। क्रिटिकल कंडीशन में है तो ये गंभीर कंडीशन में है तो ये भी आपका सिनोनिम में आ सकता है। इंपरेटिव, आपके कैसे सेंटेंसेज होते हैं इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंसेज होते हैं जिनमें आप ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो इंपरेटिव का मतलब भी क्या हो जाता है आपका, वाइटल, कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल यानी कि सिनोनिम में आ जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा हमारा, ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब तुच्छ, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। समझ में आ गया क्रूशियल का आंसर क्या है आपका, ट्रिवियल, क्लियर हुआ। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, आपसे पूछता है द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू डैश विंड्स। द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू डैश विंड्स, टर्बुलेंट विंड्स, फेवरेबल विंड्स, आपका टेम्परेचरस विंड्स या फिर बॉयस्ट्रस विंड्स, क्या बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहता है शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू, ओइंग टू यानी कि कारण बता रहा है, क्यों, रीजन बता रहा है कि शिप स्मूथली सेल कर गया। क्यों सेल कर गया, क्योंकि विंड्स कैसी थी। तो अगर विंड्स अच्छी होंगी तभी ना शिप आसानी से सेल करेगा। तो टर्बुलेंट विंड्स में तो समस्या होती है इसलिए ये गलत है। आपका बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस मतलब क्या हो गया, बॉयस्ट्रस मतलब ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा एकदम से स्टॉर्म टाइप की कंडीशन हो रही हो, तो वो यहाँ पर सेंस होगा, तो वो भी नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए आपका बॉयस्ट्रस विंड्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। नाउ अगला बचता है टेम्पेस्टुअस, टेम्पेस्टुअस का मतलब हो जाता है फुल ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस स्टॉर्मी, तो स्टॉर्मी विंड्स होंगी तो भी नहीं अच्छे से पास कर पाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, फेवरेबल। सो द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू फेवरेबल विंड्स, जो है आपका सही सवाल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मैमथ। मैमथ का अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा, जिजेंटिक, मैग्निफिशेंट, मिनिस्कल या पेरिलस। तो पेरिलस आपका क्या होता है, आपका हार्मफुल होता है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं हुआ इससे। मिनिस्कल माइन्यूट, ये एंटोनिम में आ जाएगा। मैग्निफिशेंट और जजेंटिक, मैग्निफिशेंट हो जाता है कोई बहुत अच्छा है, तो मैमथ का जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जजेंटिक, जजेंटिक विल बी द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा शी नेवर, आपका अगला सवाल है 19 क्वेश्चन नंबर, माउंटेनियर हैज टू वॉक द टाइट रोप एज अ स्मॉल शिप कैन प्रूव टू बी फेटल। तो यहां पर आपसे वॉक द टाइट रोप, यहां पर आपको idiom है आपका वॉक द टाइट रोप, इसका मीनिंग बताना है। तो माउंटेनियर को बहुत ही कैसे चलना पड़ता है, बहुत संभल के चलना पड़ता है ना, तो क्या होगा, टू बी वेरी कॉशियस। तो वॉक द टाइट रोप का मतलब होता है टू बी वेरी कॉशियस एज द स्मॉल स्लिप कैन प्रूव टू बी फेटल, अगर वो हल्का सा भी फिसला तो जान जा सकती है। ठीक है, तो टू बी वेरी कॉशियस विल बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपसे कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इसकी करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है, क्या बनेगा, शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन। तो यहां पर आपने हेल्पिंग, आपने जो वर्ब का इस्तेमाल किया वो क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका पैसिव बनाएंगे तो आप, यानी कि ये सेंटेंस किस में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा आपका, वॉज वर, उसके साथ में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए किस में आ रहा है, ये इज नॉट आ रहा है, यहाँ वॉज आ रहा है, यहाँ पे वॉज आ रहा है, यहाँ पर वॉज नेवर आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, इसे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है ये तो हमने पहले ही हटा दिया, शी वॉज नेवर ट्रस्टेड बाई एनी वन, तो फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमने हटाया नहीं, शी नेवर ट्रस्टेड एनी वन कह रहा है,
तो यहां आंसर क्या बनेगा, नो वन वॉज एवर ट्रस्टेड बाई हर, आंसर हो जाएगा थर्ड. ठीक है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी तो चेंजमेंट करना पड़ता है, वो यहां किया नहीं है तो फोर्थ होगा नहीं सकता. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका पैराजम्बल का है. इसको वीडियो को पॉज की इसको करिए और फिर हम लोग करते हैं, पढ़िए इसको और आंसर बनाइए. बताइए इसका आंसर क्या होगा. देखिए इस क्वेश्चन को जरा, यहां पर सेंटेंस की शुरुआत किससे करता है, बट से. तो क्या सेंटेंस बट से शुरू होते हैं, नहीं होता, यानी कि ए से शुरू नहीं होगा. खैर ऑप्शन में भी नहीं हो रहा है. ऑप्शन बी, सेंटेंस नंबर बी, यहां कहता है शी स्लोली प्रपोज्ड द ओपन लाइब्रेरी. मैंने आपको पढ़ाया है कि आप हमेशा पैराजम्बल में सबसे पहले प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद आप पर्सनल प्रोनाउन की तरफ पढ़ते हो, राइट. तो शी अगर आपने इस्तेमाल किया तो शी किसके लिए आ रहा है, शी आ रहा होगा जेसिका के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर शुरुआत किससे होगी, डी से होगी, बी से शुरू नहीं होगा, सी में ए से एंड से शुरू कर रहा है वो भी नहीं हो सकता, यानी कि शुरुआत हमारी डी से ही होनी चाहिए. उसके बाद हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बी का इस्तेमाल उसके बाद हम कर सकते हैं, यानी कि ये भी हो सकता है इसका आंसर. लेट चलिए पढ़ते हैं. व्हेन द बेल रैंग फॉर लंच, जेसिका टुक हर लंच बॉक्स एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द लाइब्रेरी. फिर बट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर रशिंग पास्ट हर फॉर अ ब्रेक लाइक शी डिडंट एग्जिस्ट. शी स्लोली पुश्ड ओपन द लाइब्रेरी डोर एंड टुक अ सीट एट वन ऑफ द टेबल्स इन द कॉर्नर एंड टूडे जेसिका रियली फील्ट लाइक मे बी शी डिडंट एग्जिस्ट. तो इस क्वेश्चन में क्या बनेगा कि जैसे ही लंच की बेल बची तो वो अपना लंच बॉक्स लिया और लाइब्रेरी की तरफ चलने लगी, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स उसके वर रशिंग पास्ट हर फॉर अ ब्रेक लाइक शी डिडंट एग्जिस्ट, यानी कि बाकी के स्टूडेंट्स उसके पीछे से ऐसे जा रहे थे जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो. तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ए. लेकिन आज की तारीख में जैसे आज उससे आज चूंकि जब ऐसा हुआ तो उसको वाकई में ऐसा लगा कि वो वाकई में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर उसने क्या किया, उसने लाइब्रेरी को ओपन किया और चुपचाप एक कॉर्नर में सीट लेके बैठ गई. तो आंसर बन जाएगा आपका बी पार्ट. ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22. इसमें आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ रहा है. क्या होगा, सम एजिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन दैट देर इज नो इमरजेंसी. तो आप क्या कह रहे हो, सम एजिटेशन माइनर्स एलिगेशन दैट देर इज नो इमरजेंसी मेजर इन साइड द माइंस. तो एलिगेशन नहीं होगा यहां पर, पहले तो आपको वर्ब की आवश्यकता है. तो एलिगेशन नहीं होगा, क्या होगा, एलेज होगा, पहली बात. ठीक है, तो माइनर्स एलेज. अब माइनर्स की जो आपकी माइनर्स मतलब जो माइन में खुदाई करते हैं उनकी बारे में बात हो रही है, तो ये प्लूरल इसका सही है बिल्कुल, माइनर्स. तो इसकी आपको अपोस्ट्रॉफी बनाने की जरूरत नहीं है. आंसर क्या बनेगा, माइनर्स एलेज दैट देयर वर नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइंस. करेक्ट, समझ आ गया. क्वेश्चन नंबर 23 इसको बनाइए जरा, फिर इसको करते हैं. देखिए यहां पर क्या कहता है, देन दे स्प्रेड एज द अनमाइंड कोल स्टार्ट्स बर्निंग विद ऑक्सीजन ड्रॉन फ्रॉम पोर्स एंड माइंड शाफ्ट्स. देन यानी कि फिर ऐसा ऐसा वो करने लगे, इसका मतलब इसके पहले कुछ हुआ होगा. तो ए से शुरुआत नहीं होगी, खैर ऑप्शन भी नहीं है. ऑप्शन है बी, सी और डी से. डी में कहता है दिस इज अ ग्रेव थ्रेट एज पॉइजनस फ्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड राइज अप फ्रॉम अंडरग्राउंड फायर्स. तो आप इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको ये पता लगता है कि ये सेंटेंस कहीं बीच से बात शुरू हो रही है. आपका जो आपका एक प्रॉपर सेंटेंस कौन सा है जो फर्स्ट हो सकता है, वो कौन सा है, एन एंटायर टाउनशिप झरिया इज टू बी रिलोकेटेड बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोलेबल अंडरग्राउंड फायर्स. इसका मतलब शुरुआत किससे होगी, बी से. आपका सी से भी शुरुआत नहीं हो सकती क्योंकि दीज फायर्स कह रहा है, तो पहले ये पता करो कौन सी फायर है, और ये भी गलत है. उसके बाद क्या होगा कि अब जब ये फायर्स के बारे में बात करी, अंडरग्राउंड फायर्स, तो यहां से हम कर सकते हैं किससे शुरुआत, सी से. सी में कहता है दीज फायर्स स्टार्ट मोस्टली फ्रॉम बर्निंग ट्रैश क्लोज टू कोल पिट्स, यानी कि बी के बाद क्या आएगा, सी, यानी कि ये आग कैसे शुरू होती हैं, ऐसे ऐसे शुरू होती हैं.
फिर क्या होगा, देन दे स्प्रेड एज द अनमाइंड कोल स्टार्ट्स बर्निंग विद ऑक्सीजन ड्रॉन फ्रॉम पोर्स एंड माइन शाफ्ट्स। फिर वो फैलती हैं क्योंकि अनमाइंड कोल जो है वो जलने लगता है, और विद ऑक्सीजन ड्रॉन फ्रॉम जो कि छोटे छोटे माइन शाफ्ट्स होते हैं वहां से ऑक्सीजन उनको मिलने लगती है। तो बी सी के बाद क्या आ जाएगा, ए। और ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रेव थ्रेट है एज पॉइजनस फ्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड राइज फ्रॉम अंडरग्राउंड फायर्स, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो वहां से ऊपर निकलता है। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। समझ में आया, ठीक है। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, कहता है आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। कहता है बिग फार्मर्स विद डीपेस्ट ट्यूब वेल्स स्टिल हैव वाटर बट मैनी अदर्स फेस अ वाटर क्राइसिस, क्या आंसर होगा। अब देखो यहां पर कह रहा है कि डीपेस्ट ट्यूब वेल्स, सुपरलेटिव डिग्री का आपने इस्तेमाल किया तो वो यहां ठीक नहीं है, आपको नहीं होगा। आपका आंसर बनेगा विद डीपर ट्यूब वेल्स, यानी कि बिग जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास थोड़े से ज्यादा गहरे कुएं हैं, अभी भी उनके पास पानी है, बट मैनी अदर्स फेस अ वाटर क्राइसिस, बाकी का कई सारे वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, आपसे पूछता है एरर डिटेक्शन बताना है क्या होगा। माई फादर डिसुएडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज शी ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज। अगर आप में से किसी ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। क्या आंसर बनेगा, माई फादर डिसुएडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज, आंसर बनेगा माई फादर डिसुएडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब, फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब विल बी द करेक्ट आंसर। आपका जो टू ट्राई फॉर अ जॉब ये गलत है, आंसर बनेगा माई फादर डिसुएडेड मी फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर होगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज का, मिलेंगे कल जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 11th जून शिफ्ट 3 का पेपर, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे ऑलमोस्ट सारे पेपर्स डिस्कस हो जाएंगे सीजीएल के, अभी 11th, 12 और 13 थोड़े पेपर और बचते हैं। चलिए तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और अगर आपको अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए @AmanTrivedi, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।